गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह सुबह उठ के थोड़ा बाहर गया था टहलने के लिए, घूम के फिर आया। फिर हम देखिए कपड़ा धो के सुखा दिया हूँ, क्योंकि मेरा वाइफ तो नहीं है, घर चला गया। फिलहाल मैं तो अभी रूम छोड़ने वाला हूँ, रूम छोड़ के अभी दूसरा जगह नौकरी के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। चलिए ठीक है, वो बात तो अलग है। चलिए आज का आप लोग को मेरा चैनल पे स्वागत है। कल से तो आप लोग को पता है श्रावण महीना आ रहा है, तो कल से तो हम लोग कोई चिकन नहीं खाएगा। बट आज क्या हुआ है, हम चिकन लेके आया हैं, हम बनाएंगे, हम खाएंगे। और ऊपर में भी कुछ फैमिली रहता है, वो प्रेग्नेंट है, जिस कारण से हम उसको भी थोड़ा सा बना के दे देंगे, तो वो भी थोड़ा सा खाएगा। क्योंकि मेरे को भी, मेरा बीवी नहीं है, और मेरे शाम को वो 8 बजे ला के वो रोटी और सब्जी देता है, चावल देता है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है किसी को हेल्प कर लूँ। आप लोग भी हो सकता है तो किसी किसी को हेल्प कीजिए, जैसे गाय को हो गया, बूढ़ा आदमी है, गरीब है, उसको आप लोग हेल्प कीजिए, आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा, आपको भगवान भी आपके साथ रहेगा। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं, अभी चिकन लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। हेलो गाइस, देखिए मैं चिकन लेके आ गया हूँ, अभी मैं जाके आप लोग को दिखाऊंगा। चिकन में लेके आ गया हूँ मैं, आप लोग को दिखाऊंगा, चलिए चलते हैं। अभी देखिए ये काला पॉलीथीन में चिकन लाया हूँ, और ये देखिए कुछ मसाला लाया हूँ चिकन के लिए, और इसमें मिर्ची, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता है, और मेरे पास पहले से ही ये टमाटर रखा हुआ है, और प्याज भी है। देखिए अंधेरे में दिख नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, 4-5 प्याज हम ले लेते हैं। बस देखिए हम तो लाया है 1 किलो, काट के वो दिया लगभग आपको 650-650 ग्राम आया है। देखिए मैं बारीक में प्याज काटूंगा, ये देखिए मैं प्याज काटूंगा, ये प्याज और टमाटर इसमें डालूंगा, और प्याज काटने के बाद आप लोगों को धीरे धीरे ये प्रोसेसिंग बताऊंगा। अभी तो हम फिलहाल अभी इसको धोएंगे, धोने के बाद हम बताएंगे, चलिए चलते हैं। दोस्तों देखिए अभी धोने के लिए ले आया हूँ, अभी धो के आप लोग को दिखाऊँगा प्रोसेसिंग है क्या क्या, हम दिखाएँगे आप लोग को। देखिए मैं अभी धो के इसको साफ़ कर दिया हूँ चिकन को, ठीक है, ये चिकन साफ हो गया है। उसके बाद हम क्या क्या मसाला रेडी किया है देख लीजिए, प्याज और ये हो गया टमाटर और सूखा मिर्ची, हरी मिर्ची, गरम मसाला गोटा, लहसुन है गोटा डालूंगा, अच्छा टेस्ट होता है, और ये हो गया तेजपत्ता। इसके साथ ये हो गया चिकन मसाला, ये हो गया गरम मसाला, उसके बाद ये हो गया जिंजर गार्लिक का पेस्ट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं गैस लगा के, देखिए गैस लगा के हम पैन बिठा दिया, देखिए इसमें तेल डाल दिया, सरसों का तेल, ये देखिए। इसके बाद हम प्याज, इसमें गोटा जो गरम मसाला है उसको डालेंगे, फिर आप लोग को धीरे धीरे दिखाते रहेंगे। चलिए देखिए सरसों का तेल तो पहले डाल दिया था, अभी हमने क्या किया, जो गोटा गरम मसाला है उसको डाल दिया, थोड़ा फ्लेवर आने के लिए, मस्त लगेगा। उसमें दालचीनी, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और आपके पास वो जो फूल रहता है छोटा सा फूल वो, उसके बाद जीरा, और उसके बाद रहता है सूखा मिर्ची, वो सब तेज़पत्ता, ये देखिए सब कुछ मैंने डाल दिया। उसके बाद हमने प्याज डाल दिया। हम जो तेल में बनाते हैं वो सरसों का कच्ची घनी वाला तेल है, देखिए कितना खुशबू आ रहा है, बढ़िया खुशबू आ रहा है। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, मेरा चैनल पे जुड़े रहिए ऐसे ही। हाँ हेलो दोस्तों, देखिए मैं जैसे आप लोग को बोल दिया, अभी थोड़ा थोड़ा ये प्याज हो रहा है। अभी मैंने नमक थोड़ा सा डाला था, नमक के बारे में, हल्दी के बारे में मैं भूल गया था बताना, तो अभी नमक डाल दिया हूँ, थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाला हूँ, थोड़ा सा गिल जाएगा, अच्छा स्वाद भी रहेगा प्याज का, नहीं तो प्याज जैसा मीठा मीठा लगेगा। चलिए ठीक है, अभी फिर से जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। दोस्तों देखिए अभी प्याज लगभग गिल चुका है, अभी मैं इस जो गोटा जो लहसुन था उसका अच्छा से साफ करके अभी इसके अंदर डाल दूँगा, और धीरे धीरे इसको मिलाऊंगा, क्योंकि लहसुन पकने के लिए भी टाइम लगता है, गोटा लहसुन में से थोड़ा खुशबू भी आएगा लहसुन का, थोड़ा सा आप लोग डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। देखिए लहसुन थोड़ा थोड़ा पकेगा, आँच को सब हर टाइम पे, ये जो गैस का जो गैस का जो आग है उस थोड़ा थोड़ा हल्का रखिए, ज़्यादा कुछ रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, जल जाएगा फिर, तो हल्का आँच से आप भूनते रहिए। जैसे ब्राउन हो जाएगा इसमें हम लोग हरी मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, देखिए लगभग तैयार हो गया है प्याज। चलिए चलते हैं, देखिए प्याज भी
लगभग 50 से 60% हो गया है। अभी उसमें हम लोग क्या करेंगे, हरी मिर्ची डाल देते हैं। हरी मिर्ची मेरे पास, हरी मिर्ची रखा हुआ है, मैं डाल देता हूँ। ये देखिए मेरा हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची डाल देता हूँ, 4-5 हरी मिर्ची। देखिए अभी हल्का हल्का हम मिलाते रहेंगे, फिर आप लोगों को दिखाते रहेंगे। प्याज हो गया है, इसमें अभी क्या करेंगे, अभी तो हो गया, अभी हो गया। अभी मैं जो मेरे साथ जो मैं चिकन रखा था, ये देखिए चिकन रखा हूँ, इस चिकन को उसमें डाल देंगे। इसका प्रोसीजर कुछ अलग अलग है, देखिए अभी मैं देखिए फिर तो इसको हल्का हल्का मिलाते रहेंगे। तक रहा है तो दिखाता हूँ मिला के, देखिए कैसे मिला रहा है। इसको अभी मिला के थोड़ा कम गैस का आँच में रख देंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। देखिए लगभग 10 मिनट ही हो गया है। इसका भी देखिए थोड़ा सा हल्का 10% पकेगा, 10 से 20% पकेगा। देखिए देख रहे हैं, उसके बाद मैं अदरक लहसुन जो पेस्ट रखा हूँ उसको दूंगा। ये देखिए ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको मैं डालूँगा। देखिए दोस्तों अदरक लहसुन अभी डाल दिया हूँ। अगर अदरक लहसुन डालने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, लहसुन मिलाऊँगा धीरे धीरे करके। ये जैसे 50% पक जाएगा उसके बाद हम जो पाउडर मसाला रखा है, चिकन गरम मसाला, ये सब डालूँगा। अभी लाल मिर्ची पाउडर भी थोड़ा सा डाल दूँगा, तीखा के लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा नहीं डालूँगा। अभी इसको होने दीजिए, ये अभी कम से कम होगा 15 से 20 मिनट। चलिए चलते हैं दोस्तों। देखिए अभी मसाला बन गया है। अभी मसाला में मैं डाला हूँ 1.5 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच चिकन मसाला, 1.5 चम्मच आपका हो गया हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि तीखा हो जाएगा। हम हरी मिर्ची लाल मिर्ची डाले थे तो उसके साथ हम नमक थोड़ा सा दे दिया 1 चम्मच, क्योंकि पहले डाला था, फिर बाद में यदि थोड़ा नमक ज़रूरत होगा तो मैं डाल दूँगा। अभी देखिए टमाटर तो मैं काट के रखा था, अभी इसमें क्या है ना, देखते हैं क्या कंडीशन है। देखिए चिकन का बहुत बढ़िया कंडीशन आ रहा है, देखिए चिकन का बहुत बढ़िया कंडीशन आ रहा है। थोड़ा सा इसका पानी मरेगा, देखिए अभी लगभग मैं टमाटर डाल देता हूँ उसको। देखिए टमाटर मैंने डाल दिया, टमाटर उसके साथ गिलेगा तो टेस्ट बढ़ेगा बनेगा। फिर उसके बाद हम मसाला देंगे। क्या है अभी तो अभी हो रहा है प्रोसेसिंग, जब अभी मसाला डाला जाएगा फिर उसका कलर बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। चलिए ठीक है दोस्तों। देखिए 50% हो गया है, लगभग 10 से 15 मिनट हो गया है। जो मसाला बनाया था, देखिए मसाला अभी मैं डाल देता हूँ, अभी उसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों मसाला डालने के बाद कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया, वो अभी पकेगा। और 50% पकने, 50% तो नहीं, कम से कम अभी 30% पकेगा। पकने के बाद मैं पानी इसमें दूंगा, पानी देके थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ग्रेवी बनवाऊँगा। देखिए कितना खूबसूरत स्मेल भी आ रहा है, आप लोगों से ना पता नहीं चलेगा, मेरे को तो पता चलता है। चलिए ठीक है। देखिए बढ़िया कलर आ गया इसका, देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया, बहुत सारा पक भी गया है। अभी पानी डालने का समय आ गया, पानी डालेंगे अभी इसमें और हल्का ग्रेवी बना के हम खाएंगे, और हमारा जो ऊपर में जो पड़ोसी रहता है उनको भी थोड़ा दे देंगे। बोले थे ना शुरुआत में कि वो भी हम लोग को थोड़ा सा रोटी पोटी खीर खिलाता है, तो हम भी सोचे कि कल से तो हम लोग नॉनवेज नहीं खा पाएंगे, तो इसीलिए मैं सोचा कि चलिए आज ही लास्ट बना के दे देते हैं। अभी सावन महीना चालू हो जाएगा, देखिए लगभग हो गया है। अभी उसको 5 मिनट कसूँगा, उसके बाद पानी दूँगा, पानी के बाद क्या है सिचुएशन आपको दिखाऊँगा। चलते हैं। धनिया पत्ता मैं अभी काट दिया हूँ, अभी दिखाते हैं क्या कंडीशन है चिकन का। चलिए देखते हैं। अभी ये देखिए उबल रहा है, उसके बाद हम धनिया पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा बनेगा। देखिए कंडीशन तो बहुत बढ़िया है,
चलिए चलते हैं। दोस्तों देखिए कैसे बन गया है, वाह मस्त लग रहा है, देख रहे हैं मस्त बन गया है। देखिए अभी थोड़ा देर हम ढक के रख देंगे तो और गजब लगेगा, फिर इसके बाद हम लोग खाएंगे। चलिए धन्यवाद। ये दोस्तों कैसे बन गया, अभी मैं लेके चावल के साथ खाने जाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कितना तेजी से बारिश हो रहा है, बाप रे हम खा पी के आ गया ना, अब कितना बारिश चालू हो गया। देखिए बाप रे बिजली भी कड़क रहा है, पीछे वाला भी मैं दिखा दूंगा आप लोग को। देखिए बाप रे बाप, अरे यार मस्त बारिश हो रहा है, बिजली भी कड़क रहा है। हम जा रहे हैं क्योंकि मोबाइल ने रेडिएशन पकड़ लेगा। देख रहे हैं कितना तेजी से बारिश हो रहा है, बाप रे बाप। चले चले चल, कितना बारिश, बाप रे बाप बाप रे बाप, भयानक बारिश चालू हो गया। अब देखिए पूरा बारिश ना, हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं भीगने के लिए, मगर सर्दी पकड़ लेगा इसलिए देखिए हम लोग नहीं भीग रहे हैं। बिजली भी मार रहा है, बाप रे बाप बहुत तेज़ी से बारिश हो गया, बहुत गर्मी भी हो रहा था। चले दोस्त लोग आप बताइए कि आपका एरिया में कैसे कैसे बारिश हो रहा है, बारिश हो कि रहा है कि गर्मी हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताइए। देख रहे हैं कितना बिजली मार रहा है। तो बाय बाय, चल रहे हैं, मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा दीजिए। बाय बाय।